जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो है वो 5 जून 2020 को रात्रि 11:15 बजे करीबन लग रहा है और 2:30 बजे तक अर्थात 6 तारीख हो जाएगी और रात्रि 2:30 बजे तक ये रहेगा। एक तो हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि रात्रि पूजा पाठ के लिए, तप के लिए दिन की बजाय श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी तुरीय संध्या बोलते हैं, 11 से लेकर 2 बजे तक की जो संध्या होती है, समय होता है, वो तुरीय संध्या कहलाती है। और इस समय जो भी जप किया जाता है, तप किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वो अमोघ होती है। तो जो यह चंद्र ग्रहण है, जो मेन चंद्र ग्रहण है, वो 11:15 बजे से लेके 2:30 बजे तक है। चंद्र ग्रहण का सूतक 8 घंटे पहले लग जाता है। कहने मतलब ये है कि सूतक लग जाता है तो उसमें कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं होती, हवन आदि नहीं होते, कहीं पे भी आना जाना नहीं होता, सिर्फ मानसिक जाप आप कर सकते हैं, मानसिक पूजा चल सकती है, अंदर ही अंदर मन के अंदर आप कर सकते हैं। और मेन जो चंद्र ग्रहण का टाइम है, जैसे 11:15 बजे, तो आप किसी पवित्र नदी के जल में स्नान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी का जल, जैसे गंगा जल है, यमुना जल है, और भी पवित्र नदियां हैं, उनका जल यदि आपके घर में हो तो 1-2 बूंद डालकर स्नान करके पवित्र होकर आसन बिछाकर जब मुख्य भाग जो है चंद्र ग्रहण का 11:15 बजे आप बैठ जाइए। कुछ नहीं करना, आसन पर आप बैठिए और जो दुर्वा के टुकड़े हैं उनको आपको घर घर में, मतलब कि घर के हर कोने में रखना है। अपने पास भी आप टुकड़े रखिए, पवित्र माने गए हैं। और जो भी आप जप करना चाहें, जैसे कि 40 आदि का जप कर सकते हैं, स्तोत्र आदि का जप कर सकते हैं, जो आपको कंठस्थ हो, याद हो, राम रक्षा स्तोत्र का जप आप कीजिए, या 108 नाम किसी भी देवी देवता के 108 नाम का आप जब कीजिए, आपके इष्ट देव, कुलदेव, कुलदेवी, इष्ट देवी, उनके मंत्रों का, उनके स्तोत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। नवग्रह के जो बीज मंत्र हैं, नवग्रह के जो मंत्र हैं, तो नवग्रहों के जप की बजाय आप उनके जो आपके महादशानाथ हैं, जो भी आपके महादशा चल रही है, उसके जो स्वामी हैं, उसके 40 स्तोत्र कवच मंत्र आप जाप कीजिए। इससे क्या होगा आपको कि भाई आप यदि नवग्रह के मंत्रों का ही जाप करेंगे तो वो ग्रह आपसे बंध जाएगा, आपको उसकी हर बार पूजा करनी होगी और वो एक सीमित दायरे में ही आपको दे सकता है। लेकिन यदि आप ईश्वर का, परमात्मा के स्वरूप का, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन स्वरूपों का आप 40 स्तोत्र कवच मंत्र जाप करते हैं, तो ये आपके, जैसे मतलब आपकी पीढ़ियों में अगर कोई पितृ दोष हो, नेगेटिव एनर्जी हो, घर परिवार में कहा कलह कलेश हो, तो उसको ये दूर कर देंगे। साथ साथ प्रसन्न होकर आपको हर तरफ से सुख शांति, धन वैभव, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। आने वाली समस्याओं का अंत करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा सहायता करते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप का ही आपको जाप करना है। हो सके तो आपके छोटे बच्चे
या माँ बाप आपके, उनको भी आप कहिए कि इस समय अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो राम का नाम बोल सकते हैं, कृष्ण नाम बोल सकते हैं, शिव नाम, माँ दुर्गा नाम, गणेश नाम बोल सकते हैं, तो उनको आप बोलने के लिए बोलिए खाली आसन बिछाकर। वो सिर्फ मंत्र अगर नहीं पता कोई ज़रूरी नहीं है, नाम जप भी कर सकते हैं, आंखें बंद कर कर दर्शन अर्थात ध्यान करना चाहिए, ध्यान का भी फल मिलता है। इस समय आप प्राणायाम करते हैं अर्थात श्वास को अंदर रोकना है, आप कितनी देर तक रोक सकते हैं, जब तक आप रोकेंगे तब तक आप ईश्वर का नाम लेते रहें या मंत्र जाप करते रहें, इससे आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। ऐसे ही सांस को बाहर छोड़कर फिर आपको मंत्र जपना है, नाम लेना है, ये आप कितनी देर तक कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के कुंभक रेचक आपको करना चाहिए, इससे करोड़ों गुना फल मिलता है, प्रभु की प्रसन्नता हाथ लगती है, उनका आशीर्वाद ज़्यादा प्राप्त होगा। ग्रहण के समय आपको नव ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे शनि की 7.5 चल रही है, कर्क, सिंह, धनु, मीन, मेष, ये जो राशियां हैं इनको शनिदेव 7.5 में, कुछ वृश्चिक राशि है इनको शनिदेव हमेशा थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा देते हैं। तो शनिदेव से संबंधित या महादशा जो चल रही है अगर आपके पक्ष में नहीं है, मतलब द्वादश भाव की चल रही हो, अष्टम की, सप्तम की, खष्टेश की, तृतीय भाव की, तो भी आप उस महादशानाथ के से संबंधित दान की जो वस्तुएं हैं उनको आप लेके आइए ग्रहण से पहले, और ग्रहण के दौरान उनको सिर्फ छूना है, और अगले दिन जैसे ही आप ग्रहण उतरता है उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। कोपीन वस्त्र अर्थात धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए ग्रहण के समय। ग्रहण जैसे ही पूर्ण होता है, आपका जब पूरा होता है, आसन को आप कॉर्नर पे से, कोने पे से मोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए और जाकर स्नान कर लीजिए, वस्त्रों समेत स्नान करने का शास्त्रों में वर्णन है। जबके बाद वस्त्रों समेत आप स्नान कीजिए, वस्त्रों को वहीं रख कर छोड़ कर नए वस्त्र धारण कीजिए। ग्रहण से भी आप किसी भी चीज़ की, स्तोत्र की, कवच की शुरुआत कर सकते हैं। 10वें दिन जैसे हो तो 10वें दिन आपको उसका दशांश हवन करना है, जैसे आपने हनुमान चालीसा मानो 108 बार पढ़ी हो तो 10 दिन तक आप लगातार हनुमान चालीसा आपको 108 बार पढ़नी है डेली, और जैसे ही 10वां दिन हो, ग्रहण से जैसे ही 10वां दिन हो उस दिन आप उस हनुमान चालीसा का दशांश हवन, तो आप लगा लीजिए 108 10 दिन तक कितनी होगी, और उसका दशांश हवन आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर दीजिए, नहीं तो किसी पंडित को बुलाकर आप अवश्य करवाइए, इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जप के समय नेगेटिव विचार त्याग दीजिएगा, नहीं होने चाहिए, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, काम वासना ये नहीं होने चाहिए, ये शत्रु के रूप हैं, शैतान के रूप हैं, कोई फायदा नहीं हो जाएंगे। यदि आप डर, यदि आपको कन्फ्यूजन है, यदि आप डरे हुए हैं तो भी फल आपको नहीं मिलेगा, तो चित्त को एकाग्र कर कर आपको जप करना है। विश्वास रखिएगा जो आप कर रहे हैं वो सही होगा, कुछ नहीं आता तो 108 नाम ही आप जपते रहें, बहुत आपको उसमें लाभ मिलेगा। हंसना, खेलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना, सोना, खाना खाना, घर से बाहर निकलना, आईने में शक्ल आदि नहीं देखने चाहिए, आप भी ना देखें और बच्चों को भी बताएं ना देखें, तो आईने पर, मंदिरों पर वस्त्र ढक देना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए, पवित्र चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ही ग्रहण पूरा होता है अगले दिन घर की सफाई करनी चाहिए, खासकर जो भी आपके लैट्रिन बाथरूम हैं, स्टोर रूम हैं, इनको आप बिल्कुल साफ रखिएगा, मकड़ी के जाले, गंदगी नहीं होने चाहिए,
इससे आपको जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर चली जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। यदि आप जप नहीं करेंगे, सोकर निकाल देंगे, तो मान लो आपके जैसे छठे भाव की, सातवें आठवें बारहवें भाव की दशा चल रही होगी, राहु से राहु और शनि संबंधित होगी, तो जो आपके विपक्ष पार्टी अगेंस्ट पार्टी है, शत्रु है, वो आप पर हावी हो जाएंगे क्योंकि वो करेंगे। तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, इसमें करोड़ों गुना फल मिलता है, काफ़ी समय में एक बार आता है, तो इसको ऐसे मत जाने दीजिए। जैसे 148 हनुमान जी की है, शिव जी की आप पढ़ी है, इससे आपको जो समस्याएं आ रही है व्यापार से संबंधित, विवाह से संबंधित, मकान वाहन से संबंधित, तो वो सब दूर हो जाएंगे इससे। तो इतना कीजिए, टाइम है 11:15 से रात्रि 2:30 तक, सूतक लगता है 8 घंटे पहले 3:15। इतना कीजिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। बच्चे हैं, बच्चों को आप संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करवा सकते हैं, बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है। सरस्वती के 12 नाम का भी आप जाप करवा सकते हैं, ये भी उनके लिए अद्भुत रहेगा, अच्छा रहेगा। गणपति अथर्वशीर्ष, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, माता दुर्गा सरस्वती जो है उसमें आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र अवश्य पढ़िए, इससे आपको फायदा मिलेगा। इतना करना है, अगले दिन गौमूत्र से पूरे घर में पोचा लगाइए, चारों कोनों में गौमूत्र छिड़किए, दुर्वा के टुकड़ों से आपको दूध लाभ मिलेगा। मंत्र जाप करेंगे तो मानसिक जाप कीजिए, गायत्री मंत्र भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं, बस इससे ही आपको फायदा अद्भुत मिलेगा। उस समय जो लग्न रहेगा वो मकर लग्न रहेगा, बृहस्पति शनि लग्न में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में रहेगा, सूर्य शुक्र पंचम भाव वृषभ राशि में विराजमान, शुक्र अस्त रहेगा, बुध राहु के साथ खष्टेश होकर अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। तो ये बच्चों को परेशानी हो सकती है, शिक्षा में परेशानी आ सकती है, और व्यापार से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी आगे आगामी आने वाले समय में। चंद्र ग्रहण का असर 3 महीने तक माना जाता है, तो सावधान रहें, घर पर ही रहें, और ईश्वर का जितना हो सके स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, और घर के बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, फ़ायदा उठाइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।